हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। शुभारंभ वैवाहिक सामग्री की सभी रेंज जय कुमार अजित कुमार जैन कचोरा शॉपिंग सेंटर के सामने दमोह। नमस्कार 220 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ शुभ। आई खबर देखते हैं फटाफट अंदाज में। नमस्कार मैं हूँ देवांश और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें मोबाइल पर देखें। दमोह जिला अब लगातार ही कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। पथरिया में कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज किया गया। ऐसे हालात में अब लगातार ही दमोह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। आगामी दिनों में हटा में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ही भी डिस्चार्ज किए जाएंगे। दमोह के पुलिस विभाग में पदस्थ भगवान दास दाहिया योग दिवस के अवसर पर अनोखा योग करते हैं। वे जल में योग करते हैं और 2.5 घंटे तक लगातार योग की क्रियाएँ करते हैं। उनकी योग की क्रियाएं लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने मजबूर करती हैं। पथरिया थाना अंतर्गत 2 की करंट लगने से मौत हो गई। मालूम हो कि बारिश के दिनों में करंट लगने की घटनाएं लगातार ही सामने आती हैं। इसी तरह की घटना सामने आने के बाद 2 की करंट लगने से मौत हो गई। उनका पीएम कराकर परिजनों को शव सौंपे गए हैं। दमोबटियागर मार्ग के पास लोकाइन के पास एक हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया है। हादसों में लगातार बढ़ोतरी होने का मामला सामने आ रहा है। दमोह बालाकोट बाईपास पर भी एक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। मालूम हो कि तेज रफ्तार वाहनों के आपस में टकरा जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्या आरिका रिजुमती माता जी का संघ कुंडलपुर की ओर विहार करते हुए कुंडलपुर पहुंचा, जहां पर पूज्य माता श्री का मंगल चातुर्मास होगा। इस दौरान कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी की ओर से उनकी भव्य आगवानी भी की गई। जंगली क्षेत्रों में रहने वाला गुहा दमोह के नेहरू पार्क में देखा गया। दमोह के नेहरू पार्क में स्थित पानी के टैंक में गुहा के देखे जाने के बाद वहां पर हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। हालांकि यहां पर गुहा देखे जाने के बाद पार्क में आने वाले लोगों में हड़कंप के हालात हैं। बादकपुर में एक किराना दुकान में आग लग जाने का मामला सामने आया है। आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान हुआ है, इस मामले की जानकारी नहीं लग सकी, लेकिन अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद दुकानदार को हजारों का नुकसान हो गया। नागपुर की रहने वाली एक महिला करीब 40 वर्षों से दमोह जिले के कोटातला गांव में एक मुस्लिम परिवार में मौसी बनकर के रह रही थी। लगातार 40 वर्षों से रहने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों ने उन्हें पहचाना तथा वे अपने साथ ले गए। दमोह जैसा जिला अस्पताल की लाउंड्री का निर्माण इन दिनों किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बाहरी क्षेत्र में हुए निर्माण के दौरान इस बात की जानकारी सामने आई कि ईंटों और ईंट गारे का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वह घटिया तरीके का है। हटा थाना अंतर्गत हारट मार्ग पर एक बाइक से एक कार टकरा गई। बाइक से कार टकरा जाने के बाद बाइक सवार घायल हो गया, वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस घटना के बाद यहां पर लोगों का हुजूम लग गया। समन्ना के पास भी एक टैंकर के द्वारा एक ऑटो चालक को टक्कर मार दी गई, जिससे ऑटो में भरा परचून का सामान बिखर गया। हालांकि इस मामले में कोई ज्यादा घायल नहीं हो सका, लेकिन इस मामले में टैंकर चालक फरार हो गया। बजाकर थाना अंतर्गत आने वाली फुटेरा चौकी में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जबलपुर में हुई मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं परिजन इस मामले पर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने जांच की बात कही है। दमोह के जटाशंकर धाम में अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन बीते 18 वर्षों से लगातार जारी है। 18 वर्षों से किया जा रहा यह रामचरितमानस का पाठ, भगवान राम का पाठ, लॉकडाउन के दौरान भी लगातार चलता रहा। कृषि उपज मंडी के पास एक डंपर पलट जाने के बाद
हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन हादसे का यह शिकार हो गया और शिकार हो जाने के बाद काफ़ी देर तक यह डंपर यहीं पर पड़ा रहा। लोग कौतूहल के साथ इस पलटे हुए डंपर को देखते नजर आए। लघु व्यापारी संघ के द्वारा चीन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चीन का पुतला दहन किया गया। घंटाघर पर किए गए इस चीन के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकार जगत में सभी पत्रकारों के अजीज प्रशांत चौरसिया आप नहीं रहे। हृदय गति रुक जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुबह से जिसने भी यह खबर सुनी वह गमगीन हो गया। तूफान टीवी परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। हर दिल के चहेते युवा पत्रकार प्रशांत चौरसिया की मृत्यु हो जाने के बाद भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट में प्रशांत चौरसिया के दुखद निधन पर दुख व्यक्त किया।